नमस्कार विद्यार्थियों, मोहित मोटिवेटेड एग्ज़ाम चैनल इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर एक जो 105 के विद्यार्थियों के लिए लिए जाते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी यानी बाल विकास शास्त्र एंड शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सॉल्व क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे। यह परीक्षा 2026 जून 2011 को ली गई थी। इसमें से कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम विश्लेषण किए थे, तो आज हम इसमें से आगे के क्वेश्चन विश्लेषण के साथ चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? ऑप्शन है ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध करना। बी है, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। सी है, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना। डी है, अच्छे शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर है होगा ए, प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने की से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, सातवां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? ऑप्शन नंबर ए है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्षों के ऊपर जो अवस्था होती उसमें, या बी, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है वो, कि सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेकर 7 वर्ष के बीच में होती है वो, कि डी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 0 से लेकर 11 वर्ष में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के ऊपर, इसका हम विश्लेषण देखेंगे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 वर्ष के ऊपर होती है वो औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञात्मक विकास के अंतिम अवस्था में रहती है, यह 11 के बाद होती है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं को अतिरिक्त स्वयं एवं विचारों के माध्यम से विचार करने में समर्थ होता हो जाता है। बालक उद्दीपकों को अनुस्थितियों में भी उनकी विशेषताएं, उपयोगिताएं और अन्य बिंदुओं के बारे में जो सोच सकता है बालक, उसके विचार प्रयुक्त हो जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट देखेंगे, आठवां प्रश्न है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, ऑप्शन है ए, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। बी, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। सी है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। डी है, वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर्क्रिया करे और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थियों एक दूसरे से अंतर्क्रिया करे और शिक्षक उन प्रक्रिया को सुगम करे, क्योंकि सीखना समृद्ध हो जा सकता है यदि
शिक्षा का वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे के अंतर क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। और क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखते रहते हैं तथा सुनते रहते हैं, इसीलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया में उदाहरण को कक्षा में लाएगा और समझाएंगे तो विद्यार्थियों को समझने में सरलता होगी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, यानी नेगेटिव क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखेंगे, ए है सीखने की व्यापक प्रक्रिया है, बी है सीखना लक्षणमुखी होता है, सी है अनधिकाधिकन भी सीखने की प्रक्रिया है, डी है शैक्षिक संस्थान की एकमात्र संस्था है जो अधिकम प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है डी। शैक्षिक संस्थान की एकमात्र संस्था है जहां अधिकम प्राप्त होता है, ये है करेक्ट ऑप्शन। तो कैसे होता है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाए। शैक्षिक संस्था की एकमात्र संस्था है जहां अधिगम प्राप्त हो जाता है, सीखने की प्रक्रिया भी विशेषता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी विद्यार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उस शिक्षार्थियों को शैक्षिक संस्थान की एकमात्र संस्था नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखेंगे 10वां प्रश्न है, 5वीं कक्षा में दृष्टि बाधित विद्यार्थी, इसके ऑप्शन है एक, ए के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने की सहायता की जानी चाहिए, बी है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, सी है के कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, को न डी है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट देनी मिलनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से उसे सीखने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा उसके साथ भी एक सामान्य व्यवहार करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते।